जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी मित्रों। चंद्रवन्नी भक्तरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्तरस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आदि शक्ति माँ भगवती से करवत प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो चंद्रवन्नी भक्तरस चैनल के माध्यम से आज का जो कार्यक्रम होगा हमारा वह होगा कर्क राशि के जातकों के लिए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन आने वाले इस मई के महीने में कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ जो है बात करेंगे उपायों की कि जिन उपायों को करके जो है आप इस मई के महीने को सफलदायक बना सकते हैं, लाभदायक बना सकते हैं। तो सभी लोग जो है वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो ज्यादा देर ना करते हुए बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला मई 2024 का महीना आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, आपके प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो इस महीने जो है मई के महीने में पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज जो है वे नवम भाव में मौजूद रहेंगे और मंगल का नवम भाव में स्थित होना आपकी लव लाइफ को जो है काफी मजबूत बनाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ लव लाइफ जो है मजबूत बनते हुए दिख रही है। आप जो है अपने प्रिय के साथ जो है इस मई के महीने किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं और उनके साथ जो है अच्छा समय भी आप बिता सकते हैं। एक दूसरे को आप जो है इस मई के महीने में खूब समय देंगे और अपने रिश्ते की अहमियत को भी जो है आप समझेंगे और एक दूसरे का सम्मान भी जो है आप इस मई के महीने में करेंगे। आपका रिश्ता जो है इस मई के महीने में फलेगा फूलेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ जो है मंगल महाराज जो है राहु और बुध के साथ स्थित हैं, तो जिसके कारण किसी बाहरी व्यक्ति और पारिवारिक जो दबाव के कारण आपके रिश्ते में जरूर तनाव भी बढ़ सकता है। तो कोई बाहरी व्यक्ति या फिर आपका जो पारिवारिक दबाव है उसके कारण जो है आपके रिश्ते में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वाक युद्ध भी जो है वह भी हो सकता है, आपसी जो है बातचीत के माध्यम से जो है आपके विवाद हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान जरूर रहना है और कड़े शब्द बोलने से आपको बचना है, वाणी पे आपको नियंत्रण रखना है ताकि आपके और आपके प्रियजन के बीच में जो संबंध है वे ठीक से चलते रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। विवाहित जो जातक हैं कर्क राशि के जिनका विवाह हो चुका है, तो विवाहित जातकों के लिए यह महीना जो है वह अनुकूलता भरा रहने वाला है। जीवन साथी जो है अपने काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जो है जीवन साथी जो है अपने कामों में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, हालांकि इस बारे में वे स्पष्ट नहीं रहेंगे कि क्या कर रहे हैं और मुकदमेबाजी होंगे, लेकिन उनकी कई बातें जो है आपको इस महीने कड़वी भी लग सकती हैं, लेकिन वह सच होंगी और इसलिए उनकी बातों पर आपको थोड़ा सा ध्यान भी देना है कि वह क्या बोल रहे हैं और उनकी उनका जो है आपको सम्मान भी करना है। आपको जो है अपने ससुराल वालों से काम की सलाह भी जो है इस मई के महीने में मिल सकती है, जो इस साल जो है आपके लिए बहुत काम आने वाली है, तो इसलिए उनकी सलाह पे आपको गौर भी करना है। यह समय जो है आपके परिवार और ससुराल पक्ष के बीच में छोटी मोटी तकरारों को जो है दर्शा रहा है, आपके और आपके ससुराल पक्ष में या आपके परिवार के बीच में जो है छोटी मोटी तकरारें इस महीने हो सकती हैं, इसलिए इस समस्या से बचने की कोशिश आपको करनी है ताकि आपका जो रिश्ता है वह खूबसूरत बना रहे, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है और कोशिश यह करनी है कि यह जो समस्याएं हैं वह उत्पन्न न हो सके, इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए उपाय के कि उपाय क्या करें जिससे आप अपने प्रेम और वैवाहिक जीवन को आनंददायी बना सकें। तो कर्क राशि के जातकों को इस मई 2024 के महीने में प्रतिदिन आपको बजरंग बाण का पाठ करना है और शनिवार के दिन जो है सरसों का तेल है उसका दीपक आपको प्रज्वलित करना है और शनि देव महाराज या फिर किसी पीपल के वृक्ष में आप जो है सरसों का तेल प्रज्वलित कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायी रहेगा। अगर आप जो है किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो शनिवार के दिन जो है छाया पात्र का भी दान आपको करना चाहिए, छाया पात्र का दान करेंगे तो आपकी समस्याएं जो है वह दूर होते हुए दिख रही हैं। तो यह उपाय जरूर करें ताकि इस मई 2024 के महीने को आप सुफलदायी लाभदायी और आनंददायी बना सकें। तो आज का यह कार्यक्रम
आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण